नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से फैजाबाद एक्सप्रेस आने वाली रेलवे गाड़ियां कुछ घंटों के लिए लेट चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली से फैजाबाद एक्सप्रेस दिन पर दिन आने वाली गाड़ियां अयोध्या कैंट पहुंचती है, जिसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ घंटे की लेट इस वक्त चल रही है। आपको बताते चलूं कि इस वक्त दीपावली और आज जो है धनतेरस का उत्सव है। आइए हम सभी लोग खुशियों से मनाएं। फैजाबाद एक्सप्रेस और अन्य गाड़ियों में काफ़ी भीड़ भाड़ देखी गई है। भारत सरकार एवं रेलवे बोर्ड दीपावली और सभी त्योहारों को देखते हुए उत्तरी भारत की छठी माता की पर्व के शुभ अवसर पर रेलवे गाड़ियां और चलाने की ज़रूरत है। सूत्र के अनुसार बताता हूं कि जिससे कि सभी भारतीय अपनी आने जाने वाले जो है यात्रा में सुखद यात्रा के साथ साथ घर पहुंच सकें। सुखद यात्रा मंगलमय कामना के साथ रेलवे बोर्ड करती है, इसको देखते हुए और गाड़ियां चलाई जानी चाहिए और रेलवे बोर्ड को पर्व के अवसर पर और गाड़ियां चलानी चाहिए, जिससे कि आम जनता को आने जाने में त्यौहार के शुभ अवसर पर किसी को असुविधा ना हो। इसे देखते हुए आम जनता आने जाने वाले यात्रियों को विशेष खुशियों के साथ यात्रा मंगलमय की कामना भारतीय रेलवे करती आई है। इसे देखते हुए सुविधा आसानी से मिल सके आम व्यक्तियों को और भारतीय रेलवे हमेशा अपने यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देखती है। इसे हम आपको बता दूं कि दिल्ली से चलने वाली फैजाबाद एक्सप्रेसवे और अयोध्या कैंट, जिसका नाम पहले फैजाबाद जक्शन था लेकिन अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है, इसे और हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को पहुँचे और सभी यात्री आज खुश नज़र आ रहे हैं। इसे और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज अयोध्या नगरी चमक रहा है, दमक रहा है, इसे देखते हुए अयोध्या को और सुशोभित बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि भीड़ भाड़ और अत्यधिक मात्रा में देखा गया, लोग आज जो है 3 अक्टूबर, सूत्रों के अनुसार बताना चाहता हूं कि भारत सरकार रेलवे बोर्ड दीपावली और उत्तरी भारत की छठी माता की पर्व के शुभ अवसर पर और भी गाड़ियां चलाई जा सकती है। सभी भारतीय आसानी से अपने घर तक सुखद यात्रा मंगलमय के साथ आगे बढ़ते हुए खुशियों के साथ अपने अपने घर पहुंच सकें। इसे देखते हुए आज हम आपको बता देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग छोटी दीपावली 3 नवंबर 2021 को बड़े हर्ष उल्लास के साथ आ रहे हैं। वहीं पर अयोध्या दमक रहा है, चमक रहा है, सुंदरता की एक झलक दिखाई दे रहा है और भी 4 नवंबर 2021 को हम सभी लोग दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ भारत भर में मनाएंगे। वहीं पर अयोध्या का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई देने वाला है और 6 दिन के बाद, दीपावली के 6 दिन के बाद छठी माता की पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तरी भारत के लोग मनाते आए हैं। इसे देखते हुए और रेलवे बोर्ड के सभी जो है जो भी यात्रा में विशेष तौर से सुखद यात्रा के लिए और भी विशेष गाड़ियां चलाने की ज़रूरत है। भारतीय रेलवे हमेशा अपने यात्रियों को हार्दिक शुभकामना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।